पता हर सरहाने, पता पता हर सरहाने, पता पता हर सरहाने, पता पता हर सरहाने, मेरे मल्ला मेरे माजी, मेरे मल्ला मेरे माजी, मेरे मल्ला मेरे माजी, मेरे मल्ला मेरे माजी, अरे कर दे बेड़ा पार, चल परनी का कन्हैया ले चल परनी का, कन्हैया ले चल परनी का, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा पहली सरकार, कन्हैया ले चल परनी का, वे दासी तेरे द्वार पे आई, 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 सारे सहारे छोड़ के आई, सारे छोड़ के आई, सारे सहारे छोड़ के आई, सारे सहारे छोड़ के आई, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार चुकी मैं, बहुत हुई अब हार सुन ले मेरी पुकार, कन्हैया ले चल परनी पार, कन्हैया मेरी पार, कन्हैया ले चल परनी पार, कन्हैया ले चल परनी पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, सरकार कन्हैया ले चल परनी पार, 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 जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं, मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे माजी, हर कर दे बेड़ा पार, चल परनी पार, ले चल परनी पार, ले चल परनी पार, ले चल परनी पार, जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परनी पार, 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 कन्हैया ले चल परनी पार,
टमाटमक दादुर जब टमकत देहपत मोर मनार गिरा तब पियु पियु शबत पुकारत जात तब गड़ड़ गड़ड़ नप होत कड़ाकन धन नण गिरिवर शिखर बजे दान रण पट कर श्याम मेरे बीज रंग भर थी बीज की सब माला राधे बीज की सब माला रूप रसाला करिबे भला नंद लाला ना कीर्तन माला रूप रसाला सुन दयाला आई नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी कमल कुमारी मित्र मुरारी भयं सारी गिरधारी रे दिव्य भयं बिचारी गिरधारी रे दिव्य भयं शारुचारम मधुर मनारम बनि बहारम जलधारम दादुर डकारम मयूर मुकारम अयतारम मुस्कारम डालय संभारम व्याज्यपारम नंद कुमारम निरख्यारी कह राधे प्यारी ने हूँ बलिहारी ओ गुड़ियाओ गिरधारी रे तम को गुड़ियाओ गिरधारी रे तम को राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शशि गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रमांद निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसा
Anni prapra sunchavim Prodvir krutya bhujadvayam hari hari Tyuche vadantam muhu Drutryam tam drutamashu nirjarachaye Sinchantaburvimtalam Gayantam nijaparshade parivrutam Shri Gaurachandram Numah Shri Gaurachandram Numah Shri Gaurachandram Numah Vanshi Vibhushitkara Navaniradabha Pitambara Daruna Bimbaphala Dharoshtha Puranendu Sundara Mukha Aravinda Netra Krishnat Param Kimapi Tatva Aham Na Jane Yasya Kadapi Vasanan Chalakhelanotha Dhanyati Dhanya Pavane Nakritardhamani Yogindra Durgamagati Madhusudanopi Tasyanamostu Vrishabha Nubhodishepi Sri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Jihave Pibatva Mritamet Deva Govind Dhamo Adhaveti Prachodita Jena Pura Saraswati Vitanvata Jena Sasatim Smritim Hride Svalakshana Pra Durabhut kilasyata Same rishinam Rishabha prasidata Bhurater mahatabhi Yaima puro vibhu Nirmaya shete Yadamush Purusha Bhungter Gunanasho Rashashodashatmaka Solanka Srishta Bhagavan Vachansime Hare Krishna, volume. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna. तो आप सब भक्तों का
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित इस भागवत सप्ताह के अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम जो परम हंस संहिता है, संसार में सभी वेद और शास्त्रों का प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, सभी शास्त्रों का प्रमाण स्वरूप यह भागवत ग्रंथ का श्रवण करने का मौका प्राप्त हुआ है। जीवन की बहुत बड़ी कमाई है ये भागवत सुनना। वैसे तो हम संसार के इस भौतिक धन को कमाने के लिए पीछे पड़े हैं, तो जीवन बीत रहा है भगवत विमुख रसों से। आइए जीवन का कुछ क्षण श्रीमद् भागवत सुनने के लिए लगाएं। श्रीमद् भागवतम सुनना ये जीवन की वास्तविक कमाई है। मैं कह रहा था, संसार के भौतिक धन को तो हम कमाते हैं, परंतु यह भौतिक धन कमाकर कोई हजारों पति बन जाए, लाखों पति बन जाए, करोड़पति हो या अरबपति हो, वह धन वह यही इस पृथ्वी पर ही छोड़कर जाता है। या तो धन उसे छोड़ देगा या वह धन को छोड़कर चला जाएगा। वास्तविक हमारे साथ रहने वाली संपत्ति यदि कोई है तो वह है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है, गोस्वामी जी कहते हैं जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जीवन शव समान सो प्राणी। मनुष्य होने के बाद भी उनका जीवन शव के समान है, मुर्दे के समान, क्योंकि मुर्दा किसी से प्रेम करना नहीं जानता है, शव किसी से प्रेम नहीं करता है। मनुष्य जीवन स्पेशल भगवान की गिफ्ट है। ये मनुष्य जीवन के द्वारा भगवान को समझना, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार करना चाहिए। और इतना सुंदर देह प्राप्त करके यदि कोई भजन नहीं करता है तो वह शव के समान है। आप लोग कह सकते हो शव तो सांस नहीं लेता है, हम तो सांस ले रहे हैं, परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सांस तो लोहार की धमनी भी लेती है। सांस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग कहेंगे हम कहां शव हैं, हम तो चलते हैं रास्ते पर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्राणी भी रास्ते पर चलते हैं, कोई बड़ी बात हम नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन केवल भगवान को समझने के लिए मिला है, और दुर्भाग्य है हमारा कि भगवान को समझने के अलावा हम सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, फिल्म देखते हैं, सब कुछ। जिसके लिए यह जीवन मिला है वह कार्य हम नहीं करते हैं, और जो कार्य नहीं करना चाहिए उन कार्यों में हम 24 घंटा लगे। तो ऐसा जीवन जीवन नहीं है, तो शव के समान। और सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि नृदेह माधम सुलभम सुदुर्लभम। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख की योनि काटने के बाद ये इतना सुंदर शरीर प्राप्त होता है। सुलभम सुदुर्लभम, प्राय हमारे वेद और शास्त्रों में मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ मानुष देहो बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ यह है 84 लाख की योनि जलजा नवलक्षाणी 9 लाख प्रकार के जल में, स्थावरा लक्ष्य विशंति 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, क्रिमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के छोटे मोटे कीड़े, पक्षिणाम 10 लक्षाणाम 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी, 30 लक्षाणी पशु, 30 लाख प्रकार के 4 पैर पर चलने के बाद
इतनी इतनी योनि काटने के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और प्राप्त होता है कितने साल के लिए, तो कहते हैं केवल 100 साल के लिए। करोड़ों करोड़ों सालों के बाद, लाखों लाखों जन्मों के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम में पहुंच जाए। परंतु जो मूर्ख है, जिसका दुर्भाग्य बहुत तगड़ा है, वह शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, गुरु नहीं बनाते हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त करके गुरु कर्ण धारम, सभी व्यक्ति को गुरु प्राप्त करना चाहिए। और वो योग्य संत के पास जाकर भागवत और गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके भागवत और गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्महा, वह तो अपने आत्मा का हनन करने वाला है, वह तो कसाई से भी गया गुजरा है। क्योंकि कसाई तो केवल पशु को काटता है, बकरी और भेड़ को काटता है, परंतु भजन नहीं करने वाला, भागवत और गीता नहीं सुनने वाला अपने आत्मा को ही मारता है, आत्मा का हनन करने वाला है। इसलिए जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, श्रवण रंग्र अहि भवन समाना, कहते हैं उनका कान सांप के रहने वाले बिल के समान है। सांप का बिल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत भयावह होता है, मनुष्य के लिए तो भयावह होता है, परंतु मेंढक के लिए तो बहुत भयावह होता है। तो जिनका कान भगवान की कथा नहीं सुनता है, जिनका कान गीता और भागवत नहीं सुनता है, तो ये कान सांप के रहने के डर के समान है, बिल के समान। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके सभी लोगों को चाहिए कि योग्य संत के आश्रय में रहकर गीता और भागवत का ज्ञान सुने। तो बहुत सुंदर हमें मौका प्राप्त हुआ है यहाँ पर श्रीमद् भागवत निरंतर प्रतिदिन श्रवण करने का। आज इस भागवत सप्ताह का अंतिम दिन है और एक अध्याय की कथा करनी है। एक भक्त की इच्छा है कि आप परीक्षित महाराज के बारे में कुछ बताकर फिर भागवत शुरू कीजिए, और यह जिज्ञासा भी सही है, क्योंकि वास्तविक जो भागवत सुनने वाला है उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक। तो भागवत सुनने वाले महाराज परीक्षित थे और सुनाने वाले परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के बारे में तो हमने सुना, महाराज परीक्षित इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पुत्र थे। जब महाराज परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे, उस समय उस वक्त पांडवों ने कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था और 19 दिन तक युद्ध करके विजय होकर अपने घर पर आराम से रह रहे थे। तो उन दिनों द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों पर और 1 ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में, जिस गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर सवार हैं